ना ही ज्यादा तीखी है और ना ही एकदम मीठी है, एकदम स्वाद एकदम परफेक्ट है इसका। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीगो व्लॉग्स। आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। मेरा नाम है विरल गड़ा और मेरा नाम है मीत सोनी। सो हेलो गाइस, हम लोग फिर से हमारा नया वीडियो लेकर आ चुके हैं और ये वीडियो रहेगा मांडवी के स्ट्रीट फूड पर। सो यहाँ पे जितने भी फेमस आइटम है सब हम एक्सप्लोर करने वाले और आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे कितनी सारी फेमस आइटम्स है। सो आज का पहला डिश और सबसे फेमस डिश है दाबेली, जिसको डबल रोटी भी कहा जाता है। सो ये इतनी पॉकेट फ्रेंडली है ना कि आपको 20 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, आराम से आपका पेट भर जाएगा। जैसे मुंबई में वड़ा पाव हर ठिकाने मिलता है, वैसे ही दाबेली गुजरात में हर ठिकाने मिलता है। हम आए हैं जोशी डबल रोटी दाबेली वाले के पास। सो यहाँ पर हम लोग जाके रोटी टेस्ट करते हैं कैसी और कैसे बनती है वो देखते हैं। चलिए ग्रेवी। यहाँ पे हमारी दाबेली आ चुकी है तो मैं आपको ये टेस्ट करके बता रहा हूँ कैसी है। बहुत सही है, ना ही ज्यादा तीखी है और ना ही एकदम मीठी है, एकदम स्वाद एकदम परफेक्ट है इसका। और एक और बात, इसमें वो सिंगदाना है ना, उसका क्रंचीनेस बहुत मस्त आ रहा है, बहुत अच्छा है। तो जैसे कि मैंने ये कहा था आपको कि ये पॉकेट फ्रेंडली है एकदम, सिर्फ 10 रुपीज की दाबेली है। यू कैन यू इमेजिन, ओनली 10 रुपीज। जैसे हमारे बॉम्बे में भी अभी आजकल वड़ा पाव 12 रुपीज का मिलता है, 12 to 15, पर ये ओनली 10 रुपीज की, 20 रुपीज में आपका पूरा पेट भर जाएगा। बहुत सही है। तो फर्स्ट डिश आपने देख ली दाबेली है, जिसको डबल रोटी भी बोलते हैं। तो सेकंड डिश हम देखते हैं कड़क। अभी कड़क कैसे बनता है मुझे भी नहीं पता, तो जाके हम जोशी जी से ही पूछते हैं कि कैसे बनता है और देखते हैं कैसे बनता है। तो और टेस्ट भी करते हैं। तो चलो आज जाते हैं कि ये टोस्ट को इन्होंने क्रश कर दिया है और ये है दाबेली का मसाला। और ये है इसकी चटनी कड़क की स्पेशल, ये देखो। और ये है चटनी दूसरी। और अभी इन्होंने ऑनियन डाला है और ये है टमाटर और ये तो पता ही होगा सिंगदाना मसाले वाले। तो आपने कड़क को बनते हो तो देख ही लिया है, अभी हम टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा है उसका टेस्ट। इसमें जो टोस्ट डाला है और जो सिंगदाना है उन दोनों का क्रश एक नंबर आ रहा है और ये गर्म होने के कारण एकदम टेस्टी लग रहा है। और बाकी जो जूसी है बिकॉज इसमें आपने देखा चटनी बरबर के डाली है और कांदा और जो दालम डाला है अच्छा फ्लेवर दे रहे हैं इसको। ये भी अगर आप एक पूरा खा लो आधा दिन के आपका पेट भर जाएगा, इतना गारंटी देता हूँ। मस्त है और ठंडी में खाओ इसको, शरीर में आग पैदा कर देगा, इतना अच्छा ही है। और आपको चाहिए तो आप टिका भी बना सकते हो, मीठा भी बना सकते हो आपके टेस्ट के हिसाब से। और क्या ही बोलूँ, बहुत स्वाद है। यहाँ पे थर्ड डिश हमारी खाने वो है भाजी गोश्त।
मैंने भी कभी टेस्ट नहीं किया है, पर आज जाके टेस्ट करते हैं। यूनिक और हटके है, सो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। आलू की सब्जी, सॉस और पुदीने की ग्रीन चटनी और सिंग दाल और लहसुन की चटनी। अरे आपको बोलना बताना भूल गया, मेरा भाभी बोल। अभी आपने आइसक्रीम का तो मीठा कौन खाया ही रहेगा, आइसक्रीम वाला देख भी देखा है ना एंटिक। तो ये तीखा वाला भाजी कौन है, मीठा नहीं है। देखो मस्त दिखता देखने में और टेस्ट में लाजवाब है। और पॉकेट फ्रेंडली, ये भी पॉकेट फ्रेंडली है, सिर्फ 20 रुपये का। टेस्ट में बेस्ट भाजी कौन इज द बेस्ट। सो गाइस, आपने दाबेली देखी, कड़क देखा, आपने भाजी कौन देखा, बहुत खाना हो गया ना, अभी कुछ पीना चाहिए नहीं तो अटक जाएगा गले में पेट में। तो अभी आपको हम दिखाते हैं पीना। सो हम आए अभी हिमालयन सोडा एंड सॉफ्ट में। सो यहाँ पे क्या है कि इनका फ्रेंचाइज ऑल ओवर गुजरात में, अगर आपको आप वडोदरा आए हो या अहमदाबाद आए हो या आप कच्छ में आए हो तो आपको इनकी फ्रेंचाइजी देखने मिलेगी। तो आप यहाँ पे आके आप इनका सोडा एंजॉय कर सकते हो। सो जाते हैं और सोडा एंजॉय करते हैं और देखता हूँ मैं कौन सा लेता हूँ, आपको बताता हूँ। सो आज आपको जैसे बोला मैं आया हूँ हिमालयन सोडा में, सो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी है बट स्टिल मुझे बहुत पसंद है कीवी क्रश मोहितो, तो मैं कीवी क्रश मोहितो ऑर्डर कर रहा हूँ। तो कीवी क्रश मोहितो देखते हैं कि कैसा है। वैसे तो मैंने इनका ऑरेंज ट्राई किया, स्ट्रॉबेरी ट्राई किया, आज मैं कीवी ट्राई कर रहा के बाद आ गया अपना कीवी मोहितो। और इसको देख के और इसको पी के मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं गोवा में आया हूँ, सस्ता गोवा। एकदम रिफ्रेशिंग है, मस्त है, पियो थकान उड़ जाएगी। और पीता हूँ रुको थोड़ा। वाकई में बड़ा अच्छा है, एकदम होता ना थोड़ा ऐसा खास और ऐसा एक नंबर है कुछ बोलो। अब इसको मैं एंजॉय करता हूँ, बाकी बातें मिलते हैं। अपने को अपने घर के लिए थोड़ा सामान लेने का है रे। तो कहाँ से लेंगे? अरे ये रहा ना मॉल, यहाँ से लेते। भाई इधर मॉल भी है? तो तूने क्या इसको गांव समझ के रखा है? सिटी है भाई, मांडवी सिटी है। सिटी मुझे पता नहीं था यहाँ पे मॉल है। सिटी में सब कुछ मिलता है, मॉल भी है यहाँ पर। चलो अंदर आके देखते क्या है। अच्छा मिलता है क्या सब कुछ यहाँ पे? अब मिलेगा, चल देखते। मैंने तुझे पहले ही बोला था यहाँ पे सब मिलता है। चल तो फिर ले लेते अपना सामान, चल घर में भाई। यहाँ पे मॉल, मैंने सोचा ही नहीं था कि यहाँ पे मॉल हो सकता है।
ऐसे में। और यहाँ के स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली है, बहुत फ्रेंडली है। ये केवल भाई कभी आओ तो इस मॉल में आना, बहुत कुछ मिलता है इधर। दिखता है भले छोटा पर अंदर से बहुत बड़ा है, छोटा बम बड़ा धमाका है। आओ बोलो तो फिर हम हमारा सामान लेते हैं। अगर आपको ये पसंद आया रहेगा वीडियो तो लाइक करो, अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो और प्लीज शेयर करो। इतना मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया है और घंटे का बटन दबा देना तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जरूर फॉलो करना तो ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे। बाय बाय।